वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। थंबनेल देख के आपको शायद पता ही चल गया है आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से आप घर पे ही अपना एक हेयर मास्क बना सकते हैं बहुत ही आसान प्रोसेस से, और उससे हेयर प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, तो मैं आपको प्रोसेस भी दिखा दूंगी किस तरह से मैं यूज करती हूँ और उसका रिजल्ट क्या है वो सारी ही आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आप भी इसे अप्लाई कीजिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये प्रोसेस। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है पूजा। इस चैनल पे मैं ब्यूटी से रिलेटेड सारी ही वीडियोस देती रहती हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है प्रोसेस, लेट्स गो। पहले मैं हिबिस्कस फ्लावर और कुछ लीव्स ले लूँगी और उसे पानी से अच्छे तरह से धो लूँगी। ये फ्लावर्स आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा और मार्केट से भी ले सकते हैं। मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ फ्लावर्स, 9 to 10 फ्लावर्स, और लीव्स भी 9 to 10 लूँगी। उसे एक मिक्सी जार में मैं दे दूँगी। नेक्स्ट मैं दे रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मैं अपने घर पे जो प्लांट है उसका ही मैं लीफ लाई हूँ। अगर आपके घर पे प्लांट नहीं है, आप कोई भी मार्केट से जेल ला के वो भी दे सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके हेयर पे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ये उसे दूर करता है, हेयर पे एक साइन देता है, और स्कैल्प पे कोई भी इन्फेक्शन है उसे ठीक करता है। तो हेयर पे बहुत सारे चीज़ पे ये काम करता है, तो ज़रूर इसे आप अप्लाई कीजिए और अपने मास्क पे एलोवेरा जेल ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है हमारे हेयर और स्किन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं दूंगी एक बनाना। बनाना हमारे हेयर पे कंडीशनर का काम करता है। जिनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, उनके लिए बनाना बहुत अच्छा काम करता है। एक नेचुरल कंडीशनर है और इस पे हिबिस्कस फ्लावर और उसका लीफ भी है, तो तीनों मिलके हेयर पे एक बहुत अच्छा एक कंडीशनर का काम करेगा। डैमेज हेयर है तो उसे भी ये ठीक कर देगा, तो ये मास्क ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद इसका मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। देख लीजिए मेरा पेस्ट रेडी है। इस पेस्ट को मैं एक बोल में ले लूँगी और इसे फिर अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी। देख लीजिए एक स्मूथ पेस्ट हो गया है। महीने में अगर आप इसे दो बार भी हेयर पे अप्लाई करते हैं तो हेयर के जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे आप देख पाएंगे वो प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं। तो इसे मैं अप्लाई करने के लिए पहले हेयर को मैं डिवाइड कर लूँगी, फिर इस पेस्ट को मैं धीरे धीरे अपने हेयर के रूट्स से मैं नीचे की तरफ अप्लाई करूँगी। और हमेशा जो भी मास्क अप्लाई कर रहे हैं आप बाहर जाके या फिर बाथरूम पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर पे। तो इसे अप्लाई करने के बाद मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, फिर मुझे वो साफ़ करना पड़ा। ये देख लीजिए मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई कर रही हूँ पूरा ही मास्क। तो रूट से आप नीचे की तरफ हेयर के नीचे की ओर अप्लाई कीजिए, और इसे अप्लाई करने के बाद देख लीजिए मैं अपने सिस्टर को भी लगा दे रही हूँ। उसका भी हेयर बहुत डैमेज हो गया था, तो हम दोनों ने ही ये मास्क अप्लाई किए हैं। और इसे 1 आवर तक रख दीजिए ये ड्राई होने के बाद। फिर वॉश करने के बाद फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए। हेयर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शाइनी हो गए थे,
हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था और एक साइन भी था हेयर पे, तो हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई कीजिए और ये हेयर मास्क अप्लाई करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और एक फ्रीज फ्री और हेल्दी हेयर के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना, और तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, और बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है वो भी आप देखते रहिए। बाय बाय।